আন্তঃ মন্ত্ৰালয়ৰ এটা দলে আজিৰ পৰা ৰাজ্যৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত আৰু খহনীয়া পীড়িত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি বুজ লৈছে ক্ষয়ক্ষতিৰ। পুৱাই বিশেষ বিমানযোগে লক্ষীমপুৰত উপস্থিত হয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ পিজি ৰজনীকান্থন, জলশক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব সঞ্জয় কুমাৰ সিং, পথ আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ আঞ্চলিক সচিব আদেলবাৰ্ট সুংগী আৰু কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ প্ৰাধিকৰণৰ পূজা জৈন। লক্ষীমপুৰ জিলা উপায়ুক্তৰ লগত বৈঠকত মিলিত হৈ দলটোৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰে নাওবৈচাৰ শিঙৰা নদীয়ে চিঙিনিয়া মঠাউৰি অংশৰ লগত কেইবাটাও বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা ঠাই। ইয়াৰ পাছতে গহপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ বান আৰু খহনীয়া পীড়িত অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিব দলটোৱে। বান খহনীয়া ক্ষয় ক্ষতি সম্পৰ্কে বিশেষ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাখিল কৰিব দলটোৱে। आसाम के लिए 7 मेंबर्स है, उसमें इस टीम में अभी मतलब 3 मेंबर्स है मेरे अलावा। मैं एमएचए में जॉइंट सेक्रेटरी, मेरा नाम है रजनीकांतन, और एक मिस पूजा जैन है, सेंट्रल पावर मिनिस्टर से है, और एक मिस्टर संजय सिंह है, ही फ्रॉम द वाटर कमीशन बोलते हैं गुवाहाटी ऑफिस से, और एक रोड ट्रांसपोर्ट से भी एक सर अल्बर्ट। हाँ, सो हम चार बंदे, इसके अलावा 3 बंदे ऑफिस, मतलब 3-4 जिले उधर छिरांग उस साइड ले गए हैं, वो भी मिनिस्ट्री के एक मिनिस्ट्री से, एक रूरल डेवलपमेंट से, और एक एक्सपेंडिचर से, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं उससे। सो असेसमेंट का इन्होंने कल भी आपका गुवाहाटी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने बता दिया था बेसिक डिटेल्स कब हुआ इंसिडेंट्स, क्या क्या डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, विलेजेस क्या है, नुकसान क्या क्या हुआ है, डैमेजेस ये सभी। फिर आज आपका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर ने भी प्रेजेंटेशन बता दिया था। सो असेसमेंट का प्रिलिमिनरी डिटेल्स इनके पास है, सो उसको हम चेकिंग करने में, ये एक पॉइंट था जिसमें ब्रिज, मेजर ब्रिज था, इन्होंने बता दिया था उसमें डैमेज हुआ, उसका फोटोज एंड वीडियोस उस समय हुआ था वो सभी इनके पास था, सो इसलिए हमने स्पॉट में देखने के लिए थोड़ा असेसमेंट बेटर हो जाएगा इसलिए था, इसलिए हम 3 मेंबर्स इसमें, 4 मेंबर्स अभी इसको एक बार देख लिया। अब तो देखो लखीमपुर पर राहनुद्दीन अहमदर रिपोर्ट, अहम आदित्य।